is being recorded by the okay now because you know that but electrostatics is a potential energy sorry electrostatic is a conservative force so hum iske liye potential energy define kar sakte hain to humne ye agle pichle class mein ye kuch kiya tha कि अज्यूम किया था हमने दो चार्जेस हैं उनके पहले का डिस्टेंस ये वाला फिगर देखिए आर वन था फिर उनको हमने सेपरेट किया आर टू पे तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कुछ वर्क डन कर रहा होगा तो हम उस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम टू पार्ट चार्ज सिस्टम ठीक है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके हमने फाइनली लास्ट में ये वाला एक्सप्रेशन डिफाइन किया था कि हाउ कैन यू डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू अ गिवन चार्ज सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इस फॉर्मूले पे ठीक तो ये डेरिवेशन देख लीजिए एक बार आपने पिछले क्लास में भी देखा था गिव अ क्विक रिकैप टू दिस क्योंकि इसके आगे हम चलने वाले हैं तो ये हमने देखा है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज सिस्टम जैसे कूलम लॉ में होता था ना द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस के गिवन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गया द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर उसी तरह यहां से वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन हाँ जी इतना सबको याद आ गया क्लियर हो गया ठीक है अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी एग्जैक्टली सेम तरीके से हमने पीछे डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग अगर आपको याद आ रहा हो कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं दैट वी डिफाइंड इट हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर जिसको फिर हम ये मानते हैं कि इनिशियल पोजिशन उसकी नेचुरल लेंथ थी एक्स वन को जीरो रख देते हैं इसी तरह जब हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटेशन तो हम उसको डिफाइन करते हैं एम जी फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट और हम ये मानते हैं कि हमारा इनिशियल पोजीशन ग्राउंड है तो एच वन में क्या रख देते हैं जीरो जहां से हमको मिलता है एम जी खैर इस तरह की बातें होती है तो यहाँ पे भी आई एम गोइंग टू चूज वर रेफरेंस एक रेफरेंस चूज करेंगे जहां से हम पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है किस पे पोजिशन पे और पोजिशन डिपेंड करती है रेफरेंस पे बहुत मतलब कम समय में बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन ही क्या होती है एनर्जी विच इज पॉजेस ड्यू टू द कन्फिग्रेशन due to the position due to the orientation and that depends on the origin theek hai to iska matlab hum jo hai ek origin choose karenge hum ye maan lenge r to infinity pe hamara potential ka zero ye hum charge ke liye origin choose kar rahe ki jab charges ke beech ka separation infinite hai to us samay pe unki energy kya hai zero ye hamara assumption hai reference hai ye hum reference तो यहां से हम अपना वो वाला फॉर्मूला लगाया u2 minus u1 is equal to k q1 q2 1 over r2 minus 1 over r1 ठीक है अब इसमें जरा रख के देखें r2 की जगह रख दो इन्फिनिटी और u2 की जगह रख दो क्या जीरो तो बचेगा माइनस यू वन के क्यू वन क्यू टू वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है भाई अगर किसी नंबर को इन्फिनिट एक्चुअली इट इज तो नॉट डिटरमाइंड होता है मैथ्स वाले बहुत अच्छे लेकिन वी टेक इट जीरो बहुत वन फिजिकली हम इसको बहुत छोटा नंबर मानेंगे जीरो तो यहां से मुझे ये माइनस कैंसिल तो आई एम गोइंग टू गेट द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू दिस किसी भी दो पॉइंट चार्जेस की वजह से ये डिपेंड करेगा अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके दिमाग में होना चाहिए ये स्केलर क्वांटिटी है ठीक है और ये सिर्फ डिपेंड करेगा पोजिशन पे पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा नॉट पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ क्यों क्योंकि ये आई कहां से कंजर्वेटिव फोर्स से और क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड करते हैं नहीं डिपेंड करते ना सिंपल तो इट मींस देयर विल बी नो चेंज इन द सॉरी द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द पाथ वी जस्ट नीड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस आपको सिर्फ उसका सेपरेशन देखना है पोजिशन देखना है इससे नहीं मतलब है कि वो आया कहां से ठीक है ओके अब एक और चीज डिफाइन करते हैं थोड़ी थ्योरी पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बाद एक नया टर्म डिफाइन करेंगे क्या पोटेंशियल जैसे हम फोर्स के बाद डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं बेसिकली अगर आपने किसी चार्ज सिस्टम को कोई एक गिवन चार्ज है इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होंगी चारों तरफ हाँ जी बताइए ठीक है
अब आप जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे से अगर कोई चार्ज में यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूं तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगने लगेगा जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल क्यू। यस सर। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को मूव करा जाए तो क्या उस चार्ज को मूव करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को? Yes, sir. बात है, ठीक है। तो वर्क करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, डिक्रीज इंक्रीज होगी, जो भी होगी। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था उसी तरह हम पोटेंशियल को भी डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सिंपल, बहुत आसान लग रहा, डिफाइन कर रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स को पर यूनिट चार्ज से डिफाइन किया तो ये हो जाएगा। पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मींस आई कैन से चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट, फॉर एग्जांपल पॉइंट वन से पॉइंट टू गए, दैट विल बी डिफाइंड एज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। तो जब हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू वन क्यू टू वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन, इसको मैं लिख सकता हूँ वी टू माइनस वी वन, और इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, कौन वाले चार्ज से, किस चार्ज से डिवाइड करना है, टेस्ट चार्ज से। तो टेस्ट चार्ज से हम डिवाइड कर देते हैं, लेट मी टेक, हो गया टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लेते हैं और नीचे क्यू नॉट से डिवाइड किया तो खत्म। ठीक है, तो आई एम गेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे भाई, पोटेंशियल एनर्जी थी या पोटेंशियल डिफाइन किया, पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स चार्ज, ओनली ऑन सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को चार्ज को मूव करेंगे, कुछ वर्क डन होगा, वो वर्क डन से आपको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी की मदद से हमने क्वांटिटी डिफाइन की जिसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतने से आपका काम चल जाएगा। तो आई कैन से के क्यू वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन, फिर वही कंसेप्ट लगाऊंगा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को, क्या मान लो भाई, क्या मान लो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को, रेफरेंस क्या मान लो इन्फाइनाइट पे, एनीवन प्लीज, जीरो। तो ये खत्म, आई विल गेट व्हाट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज के क्यू बाय आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जरा सिमिलरिटी आप देख सकते हैं, फोर्स क्या था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के वन क्यू टू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हुआ, के क्यू बाय आर। ठीक है, इसके बारे में एक फिजिकल मीनिंग बता दूं, इसको नोट कर लिया तो बताएं आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, हम जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी भी फॉर एग्जांपल हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं मान सकता हूं इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है। अगर हम ये मान लें कि एक एक पॉजिटिव चार्ज को मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं, अभी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, लेट मी टेक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, किसी एंगल पे थीटा एंगल पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो ये बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। चलिए मैं थोड़ा इसको और आसान करता हूं फिर आपके लिए। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करूं तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती हुई दिख रही है या डिक्रीज होती हुई? इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी मूव, इट क्या लग रहा है, इसकी एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? क्या आपको इसको मूव कराने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कुछ वर्क करना पड़ेगा? नो, ये अपने आप चला जाएगा। ठीक है, बोलिए भाई, प्लस प्लस रिपेल करेगा तो इट इज गोइंग टू, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं देखूं तो डेल्टा यू क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे ये बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लग रहा है, आगे, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, आगे। तो ये बताओ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पॉजिटिव, अरे भाई पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव। तो इसमें प्लस आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो तुम्हें क्या मिला, डेल्टा यू क्या मिल गया, माइनस, माइनस मतलब क्या हुआ, एनर्जी क्या होगी, डिग्री से,
तो ये मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया और फिजिकली भी दिख रहा है भाई कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो अपने आप प्लस उसको रिपेल करेगा, वो माइनस की तरफ जाएगा, ये इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो उसकी एनर्जी क्या होगी डिग्रीज। केमिस्ट्री में एक प्रोसेस का नाम सुना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? तो जो खुद होने की टेंडेंसी रखता है, खुद होने का मतलब बिल्कुल सही, खुद होने की टेंडेंसी। खुद कब होता है कोई प्रोसेस? जब उसकी एनर्जी बढ़े या घटे, जिसको आप गिब्स फ्री एनर्जी बढ़े। अच्छा, एक बॉल को छोड़ोगे अपने आप नीचे आएगा, अपने आप ऊपर जाएगा, क्यों? अगर एनर्जी के टर्म में डिफाइन करें तो यही तो कहीं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है। एवरी प्रोसेस ट्राइज टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लो एनर्जी। आप कब आराम महसूस करते हैं, खड़े खड़े या लेट के? लेट के ना, तो अभी पढ़ाई भी लेट के तो कर रहे होंगे, मुझे पता है, कैमरा ऑफ करके सब बिस्तर में ठंडी में घुस गए। अरे बेटा सब पता है हमको, इसमें 50-55 लोग में से कम 20 तो होंगे ऐसे जो, खैर मैं उम्मीद कर रहा हूँ करवा के देख लो। अच्छा चलिए, इट्स वेरी गुड, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा है तो बहुत अच्छा है। चलिए खैर मैं उस पर बात क्या करें, तो कहने का मतलब है कोई भी प्रोसेस अपने आप उस दिशा में होता है, उस डायरेक्शन में होता है जिसमें एनर्जी डिक्रीज हो, उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होती ना भाई कोई, ठीक है, तो बॉल को छोड़ते हैं तो अपना भी इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन आता है बिकॉज इट्स एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रख दूं, इलेक्ट्रॉन, तो इसकी स्टेबिलिटी किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या अपोजिट टू द फील्ड? अपोजिट, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना, तो इसमें आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है, यहां से एक टर्म मिला आपको कि मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये एक लाइन याद कर लेना आपको, इसका मैथमेटिकल प्रूफ होगा कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा, जो पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं, एक बार सुनो मेरी बात, जब हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो टेस्ट चार्ज को क्या मानते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, यस, बिल्कुल याद रखिएगा, जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये बताओ, अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी घटेगी जल्दी? अगर मैं फील्ड, घटेगी, हाँ ठीक है, घटेगी। और अगर नेगेटिव चार्ज है और मैं फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज है मैं फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, किस चार्ज को सामने रख के बताएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव को? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, आप अगर इफ इट इज आस्क्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो ऑटोमेटिकली आप टेस्ट चार्ज रखेंगे और टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करूं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, योर पोटेंशियल विल डिक्रीज और पोटेंशियल विल इंक्रीज? डिक्रीज। बिल्कुल, ये लाइन याद रखिएगा कि पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, इन द डायरेक्शन। और अपोजिट टू द फील्ड, अपोजिट टू द फील्ड पोटेंशियल विल इंक्रीज, ठीक है। अब एक डेरिवेशन कराने जा रहा हूं मैं, अगर आपसे पूछूं, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है, और एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया यहाँ। अच्छा, ये बताओ, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर मैं इस चार्ज को परपेंडिकुलर मूव कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसकी एनर्जी घटेगी बढ़ेगी या कुछ नहीं होगी? If I am moving a charge perpendicular to the field, feel करके बताओ, work done क्या होगा? अगर work done क्या होगा? Force ऐसे और displacement ऐसे, theta कितना आ गया? 90? 90 और 90 power कितना होता है? Zero. Zero. तो delta U क्या होगा? Zero. तो potential घटेगी बढ़ेगी या constant रहेगी? Constant. Very good, very good. तो लिख लो, perpendicular to field, electric field, potential क्या होगा? Same. Because no work is done by the electric field, no work is gained or lost. Potential क्या हो जाएगा? Constant. ठीक है, इसका mathematical expression बाद में आएगा, हम आपको दे रहे A, B, C, D. इसमें ये बताओ कि सबसे ज्यादा potential किसका होगा? A का, B का, C का, D का? Which is having the maximum potential? ये electric field है. A and D. More answers. I need more answers. Which is having maximum potential? A, B, C, D. C. C. Which is having maximum potential? A, B, C, D.
अभी एक लाइन लिखी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस, अभी पूरा एक्सप्लेन किया मैंने आपको, ठीक है। A is having, और क्या मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल का सिंबल V A is equal to V D, potential of A is equal to D, yes, and that will be more than B, and that will be more than C, क्या यही एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ? Because A और D perpendicular है इलेक्ट्रिक फील्ड के perpendicular, their potential will be constant, because there is no work done, ठीक है, because there is no work done, perpendicular क्या होगा, work done क्या होगा, zero, ठीक है, इसमें work done क्या था, positive, ठीक है, और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्योंकि वर्ग पॉजिटिव है तो डेल्टा यू के पहले एक माइनस लगा है, वो आप डिफाइन करते हैं इसको वर्ग नजीब जो चैप्टर है 11th में थर्ड यूनिट वहां से, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट, ठीक है, चले आगे। yes. इसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन, जी हाँ मैं रिपीट कर दू, हेलो, यस यस सर, ठीक है, देखिए मैं बोलता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर आप देखिए मैं सिंपल से बोलता हूँ, एक मिनट में सारी बात बोल देता, कि जब भी आपसे पूछा जाएगा पोटेंशियल जी घटेगी बटेगी घटेगी बढ़ेगी, आप टेस्ट चार्ज को सामने रखोगे और टेस्ट चार्ज हमेशा होता है पॉजिटिव, तो कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो बिना उसके बताए आप पॉजिटिव को कंसिडर करके जवाब देंगे, इट हैज बीन डिफाइंड, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं तो आपने देखा कि उसके डेल्टा यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब चेंज, नेगेटिव होने का मतलब डेल्टा यू घट रहा है, तो डेल्टा यू घटेगा तो जाहिर सी बात है आपने पोटेंशियल को क्या डिफाइन किया है, एनर्जी अपॉन चार्ज, जब एनर्जी घटा तो पोटेंशियल भी घटा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल विल डिक्रीज, नीचे एरो बना हुआ है पोटेंशियल डाउन का मतलब डिक्रीज। फिर आपसे पूछा गया अगर ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले तो आपने देखा कि यार परपेंडिकुलर चलने पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे आ रहे हैं एंड देयर इज नो वर्क गोइंग टू बी डन, तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, जीरो, डेल्टा यू आपका जीरो आएगा तो देयर विल बी नो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंपली पर पोटेंशियल भी क्या होगा कांस्टेंट, मतलब डेल्टा वी क्या मिलेगा, जीरो। दो कंक्लूजन दिया आपको, क्या इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। तो अब यहां से देखा हमने कि ए और डी परपेंडिकुलर लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इट मींस ए और डी का पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट, और बी जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बढ़ रहा हूं ए से बी बी से सी पोटेंशियल घटता जा रहा है, ठीक है, तो मैंने लिखा ए और डी बराबर होंगे और डी ए उससे छोटा होगा बी उससे आगे है सी, ठीक है, यस सर। चलो आगे मैथमेटिकल रिलेशन आप लिखिए, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, रिलेशन बिटवीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से हम डिफाइन करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुमने चार्ज को डिस्प्लेस किया किसी एंगल पे, जरूरी तो है नहीं कि हमेशा आप ये रहा थीटा, और ये मान लेते स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेते डी आर मान लेता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, या ऐसा करते हैं इसको उल्टा करता हूं मैं, ये ज्यादा समझ में आएगा आपको, ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि ये रहा मेरा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब हम आपसे पूछे कि अगर हमने रिजल्ट देखा था क्या डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर मैं स्मॉल चेंज की बात करूं इनफाइनेटली स्मॉल, तो आप मैथ्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू सी लिख सकता हूं, इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि वो तो फाइनाइट चेंज के लिए, इनफाइनाइट के लिए डी यू को मैं लिख सकता हूं और वर्क क्या होता है माइनस एफ डॉट डी आर, 11th क्लास से उठा लिया, ठीक है, और हम ये जानते हैं कि dV जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो यहां से क्या मैं dU को qdV लिख सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द फंडामेंटल डेरिवेशन, पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस qdV। अच्छा फोर्स को क्या मैं qE लिख सकता हूं, यस सर, अच्छा q yes. स्केलर क्वांटिटी, स्केलर से स्केलर डिवाइड हो जाएगा क्या, Yes, sir. बचा क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस सेंचुरी, पूरे सदी का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये याद रखिएगा क्या, अच्छा अगर टोटल निकालना है कि dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, अच्छा ई डॉट डी आर को क्या मैं ई डी आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ, yes, sir. Yes, sir. इसको फिर सिंप्लीफाई कर दो मैथ के बच्चे, ई डी वी इज इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा इंटू डी आर लिख सकते हैं, और फिर क्या तुम इसको डीवी बाई डी आर को माइनस ई कॉस थीटा लिख सकते हो,
यस सर। यस सर। रहा तुम्हारे दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ई कॉस थीटा। अब इस फिगर का जरा इस ट्रायंगल वाले फिगर पे ई कॉस थीटा क्या ये ई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा कहलाएगा क्या? यस सर। ठीक है, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? क्या रेट रेट हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस है क्या मैथमेटिक्स में? क्या जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज, क्या इसको मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकता हूँ? रेट ऑफ चेंज को ग्रेडियंट में बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ई कॉस थीटा क्या है जरा बताना? ई कॉस थीटा क्या कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डिस्प्लेसमेंट है क्या? यस सर। यस सर। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डिस्प्लेसमेंट यानी जिस दिशा में चार्ज को डिस्प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये रहा सारी बात। इसको मैं ई आर लिख दूं क्या? ई आर समझ जाएंगे। इतना नोट करिए, अगले स्लाइड पे इसको हम कंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? नोट है तो बताए। ठीक है, अब ये आपको जो रिजल्ट लेके चलना है वो ये वाला रिजल्ट हमेशा के लिए। सारा डेरिवेशन भूल जाइए, ये याद रखिए e cos theta is equal to minus dv by dr। ठीक है, अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड x की दिशा में है और आपने डिस्प्लेसमेंट किया y की दिशा में dr, थीटा कितना हो गया? 90। रखो जरा यहाँ पे, तो आप cos 90 कितना होता है? जीरो। माइनस डीवी बाई डी आर ये कितना हो गया? जीरो हो गया। yes, अगर डीवी बाई डी आर क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या? वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। यही चीज हमने डिराइव किया था कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया क्या हमारा? यस सर। अब ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो भी आप नाम देना चाहे। लाइन होगा तो लाइन, सरफेस होगा तो सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? एक ऐसा लाइन या एक ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल इक्वल हो। ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या? इट मीन क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा वी जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? डेल्टा वी जीरो होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? क्या जो इक्विपोटेंशियल लाइन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा? दूसरा, इट इज ऑलवेज, ये बहुत, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे या इक्विपोटेंशियल लाइन्स पे, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे या इक्विपोटेंशियल लाइन्स पे डेल्टा वी जीरो होता है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है? कि ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर होगा। ओके, पोटेंशियल यूनिट वोल्ट। एक्स वाई जेड। ठीक है, वर्क डन बाय पर्सन पी, पर्सन क्यू, पर्सन आर। क्वेश्चन देख रहे हैं? यस सर। देखिए, दो इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, एक का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और दूसरे का पोटेंशियल है 20 वोल्ट। पहले मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, ब्लू वाली लाइन होगी या फिर येलो वाली लाइन होगी? कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ब्लू वाली लाइन या येलो वाली लाइन? येलो। और कोई बताए कौन सी लाइन होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी पीछे बताया था येलो। यस, वेरी गुड, क्योंकि आपने देखा था कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस दिशा में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होगा। तो पोटेंशियल घट किधर रहा? लेफ्ट साइड में।
तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या हो गया गलत हो गया एक बात। अब ये कह रहा है अच्छा दूसरा कंसेप्ट क्या है, क्या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द पाथ, क्या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द पाथ? नो, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं पूछ रहा हूं कि तीन पॉइंट्स दिए एक्स वाई जेड, दो तीन आदमी, एक पॉइंट एक आदमी पी है, एक आदमी क्यू, एक आदमी आर है, इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं तीनों, तो आप बताइए व्हाट इज द वर्क डन बाय पी, व्हाट इज द वर्क डन बाय क्यू एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय आर। इलेक्ट्रॉन का मूव क्या यानी चार्ज की वैल्यू है ई, व्हाट इज द वर्क डन बाय पी, व्हाट इज द वर्क डन बाय क्यू, व्हाट इज द वर्क डन बाय आर। पी वाला आदमी कितना काम कर रहा होगा, क्यू वाला कितना कर रहा होगा, आर वाला कितना होगा, हम वर्क डन बाय पी, वर्क डन बाय क्यू, वर्क डन बाय आर, तीन आदमी है, पी आदमी मतलब तीन एजेंट वाले, एक पी वाला एक्स से जेड लेके गया इस वाले पाथ से, एक एक्स से जेड ले गया नीचे वाले पाथ से, और एक जो है एक्स से वाई ले गया इस वाले पाथ से, आर वाले जो पीछे दिख रहा है, तो किस वर्क बताए तीनों का? सर आर का जीरो, आर का जीरो, हाँ जी सही बोल रहे हैं क्या, आर का वर्क जीरो आ रहा है? Yes, बिल्कुल सही, क्यों? एक पोटेंशियल सरफेस है एक्स और वाई पे। अभी आपने देखा कि हमने वर्क को डिफाइन किया है, वर्क को आई कैन राइट क्यू डेल्टा वी, वर्क को डिफाइन कर सकते हैं क्यू डेल्टा वी। देखिए मैं फिर से लिख दूं सारी बातें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने देखा कि डेल्टा यू जो होता है वो होता है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेल्टा यू को क्या मैं क्यू डेल्टा भी लिख सकता हूं। एक रिजल्ट तो ये है कि अगर मुझसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है उतना ही बाहर वाला फोर्स लगा रहा होगा, तो अगर आपसे पूछेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो ये बन जाएगा प्लस का डेल्टा यू। एक्सटर्नल का वर्क पूछेगा तो डेल्टा यू, इंटरनल का वर्क पूछेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पूछेगा या कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पूछेगा तो माइनस का ख्याल रखना होगा। तो पी का वर्क क्या मैं क्यू डेल्टा वी कर सकता हूँ, डेल्टा वी फाइनल यानी 20 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई माइनस के साथ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हमें इसका ख्याल रखना होगा माइनस प्लस साइन का, तो माइनस ई और 20 माइनस 10 10 वोल्ट। क्यू का भी वर्क सेम ही आएगा क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, दोनों का वर्क क्या आएगा सेम। अच्छा आर का वर्क जीरो आएगा क्या? ऑफ कोर्स बिकॉज एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम है तो ये हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर हम किसी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सर्फेस में मूव करें तो वर्क डन जीरो होगा? यस सर। देख लीजिए वर्क डन to move charge on it equal zero, सारा information note कर लिया। It is always perpendicular to the field. अब हम perpendicular चल गए। Done sir. ठीक ठीक, अब हम देखते हैं एक derivation देखते हैं ना, 2D के लिए देखते हैं, 3D में उसको अप्लाई कर देंगे। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, तो इसका ये कंपोनेंट EX होगा, ये वाला कंपोनेंट EY होगा। हमने जब लिखा था E cos theta is equal to minus dV by dr, तो अगर हमको X कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या मैं इसको dv by dx करूंगा? जो वाला कंपोनेंट निकालना है उसके अलोंग डिफरेंशिएशन। अगर मुझे y वाला कंपोनेंट निकालना होगा तो क्या मुझे dv by dy करना होगा? और क्या मुझे अगर z वाला निकालना होगा तो क्या मुझे dv by dz करना होगा? Yes, sir. अच्छा अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन समझते होंगे कि अगर हम इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं ex i cap EY J cap और EZ K cap, आराम से लिख सकते हैं। ठीक, एक बात ये रही। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई अगर हमको दे दे पोटेंशियल
ट्वेंटी एक्स वाई जेड, ये पोटेंशियल दीजिए इसके लिए क्वांटिटी। और अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो एक्स, अब देखिए इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो अगर मुझे एक्स कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो वाई जेड को क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में। यस सर। ठीक है, तो उसको हम, इट मींस कैन आई राइट एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल। मैथ्स के स्टूडेंट समझ रहे होंगे, पार्शियल का मतलब ये होता है जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट। जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड और एक्स को क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट। और जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई को क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट। तो ये हम डेफिनेशन उठा लिया कि अगर हमें पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करें, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट। और इसी का उल्टा कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल निकालना होगा, तो यू जस्ट डू इंटीग्रेट। आगे चलते प्रॉब्लम्स की तरफ। तो अगर इस क्वेश्चन से मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो डेल वी बाय डीएक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताओ क्या होगा, वाई जेड कांस्टेंट होगा, तो 20 वाई जेड और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं जेड के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई कांस्टेंट मानूंगा तो पहले रख दूंगा 20 एक्स वाई कांस्टेंट की तरह, और जेड हो गया मेरा डिफरेंशिएशन 1। Z के रेस्पेक्ट में करूंगा, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी वाई है, दो जगह वाई कर दिया, वाई आना था, हाँ वाई आना था। वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स और जेड को कांस्टेंट की तरह रख दिया, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे वाई के साथ, वन आ जाएगा। और इसको करा तो माइनस 20 जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स वाई कॉन्स्टेंट और जेड का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 आ गया। इट मीन्स मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूं 20 वाई जेड आई कैप प्लस 20 एक्स जेड जी कैप प्लस 20 एक्स वाई की कैप। पोटेंशियल दिया है, डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली, कैसे पार्शियली, तो हमें क्या मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन डिफरेंशिएटिंग द पोटेंशियल पार्शियली वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है हमको। ठीक है, बात समझ में आई? यस ओके। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे। अब आते हैं, अब हम उल्टा चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देके पोटेंशियल निकालना है। अब फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, एज मच क्वेश्चंस एज वी कैन। अब हम कर रहे हैं थीटा 0, ये रिजल्ट हमने उठाया, माइनस डीवी बाय डीआर किया, हम ले रहे हैं थीटा 0। थीटा 0 का कॉस 0 कितना होता है, 1। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं? यस सर। ठीक है, इट मींस आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कैन आई राइट इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर। तो क्या मैं इसको डीवी को लिख सकता हूं माइनस ई डीआर, एंड देन आई कैन राइट डीवी इज इक्वल टू माइनस, इंटीग्रेट कर दें दिया। अच्छा, जनरल एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो हमें मिला था कि माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ऐसा करता हूं, माइनस इधर ले जाता हूं, यहां से भी याद कर सकते हो तो कि डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यहीं से सब कुछ निकाला, ये रिजल्ट हमारा प्राइमरी रिलेशन यही है, ये मेरा प्राइमरी रिलेशन है। मैथ्स के स्टूडेंट अगर ये याद रखेगा तो सब कर ले जाएगा। प्राइमरी रिलेशन है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, फिर हम इसको लिखते थे dv इज इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा डी आर और इंटीग्रेट करते थे। और अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो फिर थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है, और वहां से निकालेंगे। तो पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया, क्या मिला पोटेंशियल, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया, क्या मिला इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर है क्या? तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस प्राइमरी रिलेशन, ये प्राइमरी रिलेशन हमको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, तड़ाधड़ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, चलें? यस सर। ओके ठीक है, ठीक है, ये करिए क्वेश्चन।
can assume electric field is along I cap, one dimensional electric field, one dimensional. Then potential difference between VA minus VO, where VO is the potential at origin and VA is the potential at x is equal to 2. तो क्या होगा? VA minus VO बताना है आप. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल निकालना है. कुछ बताया था अभी मैंने. कुछ हिंट दिया था मैंने, एक रिलेशन है आपके पास है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करो पोटेंशियल. अब देखिए इसमें ऑप्शन भी गड़बड़ा सकता है, लेकिन आप बहुत आराम से अपने आप को बचा सकते हैं. चलिए मैं थोड़ा हिंट देता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है, विच इज हाउ मच, फिर 30x² आई क्या. ठीक है, अब आपको दो पॉइंट्स दिया हुआ, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2. तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके अलॉन्ग हो गया. तो जो रिजल्ट हमने लिया है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट करते हैं. तो इसमें जो हमने लिखा था ई डी आर कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ, हाउ मच विल बी, 0, बिकॉज जिस वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थीटा हो गया 0. तो मैं डायरेक्ट और डी आर की जो एक्स लिख दूंगा. Okay, I am getting answer also C, C, C. तीन answer आ रहे हैं. Okay, good. चलिए करते हैं. तो I am going to get dV is equal to minus of electric field into dx. E dx लिख दूंगा क्योंकि I am getting theta is equal to 0. E dot dr में theta 0 मिल गया. Integrate किया 1 से लेके 2 तक, x1 से लेके x2 तक. dV का integration भी V2 minus V1 बनेगा. Minus electric field की जगह क्या रख दिया मैंने, 30x² x is equal to 0 से लेकर 2 तक. अब कह रहा है पोटेंशियल एट ओरिजिन, वाओ ग्रेट, सी आंसर सभी दे रहे हैं, वेरी गुड. कह रहा है पोटेंशियल ओरिजिन पे कितना है, आई डोंट नो, तो आई कैन टेक इट va minus vo, बहुत इजीली va minus vo minus x square integration x³/3, 30x³/3, कैंसिल किया 0 से लेकर 2 तक, 3 से 3 गया, आई एम गेटिंग -10. और ब्रैकेट में कितना आ गया, x³ का लिमिट रखो, 2 × 2 = 8, -0, हाउ मच आई एम गेटिंग, -80, वेरी गुड. Yes, am I audible? सुनाई दे रहा हूं क्या मैं? Yes. अच्छा एक्चुअली भी ठीक है. तो कितना आ गया VA minus VO? How much you got? -80 जूल. ध्यान दीजिएगा, अगर वो VO minus VA पूछेगा, अब बहुत लॉजिकली भी देख सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज. तो A का पोटेंशियल कम होगा और B का, O का पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो वहां से भी आप सिंपली देख सकते हैं कि मैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हूँ, फील्ड आई कैप के अलॉन्ग है. ठीक है, तो अब मेरा माइनस भी ए माइनस हो, इट शुड कम माइनस. ठीक है, अब जरा हम जो है डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्जेस. हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्जेस. सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो चुका है, आई हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सिस्टम. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पॉइंट चार्ज स्फीयर, तो पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्जेस. अगर आपको कोई चार्ज सिस्टम दिया है और उस चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से आप उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन पॉइंट पे? अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए, तो कैन यू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू दैट? यस सर.
कैसे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख चुके हैं पहले, तो अब हम उन्हीं सिस्टम्स को पिक करने जा रहे हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है। तो पहला मैं यूज करने जा रहा हूं चार्ज शेल। चार्ज शेल, तो इफ आई विल टेक अ चार्ज शेल, तो ये बताना अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। तो अगर मैं इस रिलेशन में रखूं इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीआर, अगर इसको जीरो रखूंगा तो क्या यहां से मुझे मिलेगा पोटेंशियल कांस्टेंट? यस सर। इट मींस किसी भी जगह अगर एक कंक्लूजन क्या मिला कि शेल के अंदर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो एक रिजल्ट याद कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमारे रिजल्ट से पोटेंशियल क्या मिलेगा? कांस्टेंट। ठीक, अब जरा आउटसाइड आ जाओ। आउटसाइड पे क्या मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि एक बार आर का? यस सर। अब आप जो है पोटेंशियल के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर आप जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो मैं इसको करने जाए तो आप इफ यू विल इंटीग्रेट इट आपको मिलेगा सिंपली के क्यू बाई आर और इंफिनिटी को रेफरेंस मानेंगे। अगर इसी तरह मैं सरफेस पे आ गया तो आर की जगह क्या रहते हैं? कैपिटल आर। आई एम गोइंग टू गेट के क्यू बाई कैपिटल आर। एक चीज ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में देगा। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक, अब देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 epsilon naught q / मैं सरफेस वाले की बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट सरफेस, या यही इसी की बात कर लेता हूं इसी की। आई कैन राइट 1/4 epsilon naught इंटू आर, क्या क्यू की जगह मैं सिग्मा इंटू 4πr² लिख सकता हूं? क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या हुआ? सरफेस चार्ज अपॉन एरिया, तो सरफेस चार्ज क्या होगा? जस्ट पुट इट देयर, यहां पुट करिए सिग्मा इंटू 4πr². एक रिजल्ट आने जा रहा है दैट इज वेरी मच यूजफुल फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4π से 4π कैंसिल, आपको मिल रहा है क्या? सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा भाई, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही कांस्टेंट होगा अंदर की तरफ। जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। इट मींस अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, पोटेंशियल इनसाइड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑन सरफेस। सरफेस का पोटेंशियल कितना निकाला आपने? के क्यू बाई आर। अगर मैं सिग्मा के सॉरी स्मॉल आर लिख दिया मैंने, स्मॉल होगा कैपिटल आर होगा? कैपिटल आर। अच्छा, अगर इस वाले फॉर्मूले में जिसको मैंने सिग्मा के टर्म में लिखा है, अगर सरफेस पे निकालना होगा तो क्या इसको मैं सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? ठीक, ये रिजल्ट याद रखिएगा। आउटसाइड के लिए KQ by R, इनसाइड के लिए KQ by capital R, capital R जो है वो कांस्टेंट है, और सिग्मा के टर्म में सिग्मा R by epsilon naught, और बाहर के लिए सिग्मा R square upon epsilon naught, small R क्या है? वो डिस्टेंस है। ठीक, चलें आगे। Yes, ठीक है, अब एक क्वेश्चन कराते हैं जरा, एक क्वेश्चन करते हैं जरा पहले। इसको नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से, जब नोट हो जाए समझ जाए। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करेंगे पोटेंशियल आएगा जो कि बन जाएगा के क्यू बाई आर। सिग्मा के टर्म में सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर,
सरफेस पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा, मुझे ये दो फॉर्मूले मिल गए। चले आगे। यस सर। ठीक है। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक चार्ज शेल है और दूसरा चार्ज शेल है, इस पे चार्ज Q1, इस पे R1, इस पे चार्ज Q2, इस पे R2, इस पे R2। मैं तीन पॉइंट्स दे रहा हूं, ठीक है, P, Q, R। पोटेंशियल बताइए और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बताना है। P पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, Q पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और R पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं पहले एक सॉल्व कराता हूं। P के P P क्या है? अंदर है, आपको पता है शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ऐसा करते हैं, पी क्यू आर के जीरो होता है। तो क्या मैं P जो है दोनों शेल के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल सकता हूँ? यस। ओके ठीक। अब ये बताए, अंदर जो पोटेंशियल होता है P पे, वो R1 वाला स्फीयर भी पोटेंशियल देगा और R2 वाला स्फीयर भी पोटेंशियल देगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू वन प्लस पोटेंशियल ड्यू टू टू? यस सर। और क्योंकि अंदर है, सुनिए, क्योंकि अंदर है तो अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बराबर होता है क्या? देखिए स्लाइड में, अंदर जो पोटेंशियल है V inside is equal to, तो इसका मतलब जो V1 है, जो V1 के सरफेस पे पोटेंशियल है, क्या वही V2, वही पोटेंशियल P पे पहुंचेगा? यस सर। इसी तरह पॉइंट टू आर टू स्पेयर के भी अंदर है, तो जो आर टू स्पेयर के सर्फेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर पहुंचेगा। Yes, sir. ये समझ में आया क्या पोटेंशियल? अब देखते हैं जरा ये, इसको देखते हैं, इस वाले पॉइंट को, कैपिटल Q को। अब Q वाला पॉइंट P R1 स्फीयर के बाहर है और R2 स्फीयर के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी? R1 स्फीयर से, R2 स्फीयर से? R2 के तो अंदर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करेगा, R1 वाला स्फीयर, R1 वाला चार्ज या R2 वाला चार्ज? R1 स्फीयर जो बाहर है, एंड दैट कैन बी, अच्छा बाहर है तो क्या मैं इसको के क्यू वन अपॉन सिंपल आर का स्क्वायर कर सकता हूँ, डिस्टेंस का स्क्वायर? यस सर। ठीक है, लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, ओके ठीक है। मैं मान लेता हूँ क्यू का डिस्टेंस ए है, क्यू का डिस्टेंस ए है मान लेता है, तो यहाँ पे मैं ए का स्क्वायर लिख देता हूँ, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जरा मैं पोटेंशियल निकालता हूँ। पोटेंशियल जो क्यू पे होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू वन होगा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू टू होगा, दोनों की पोटेंशियल होगा और वो सिंपल एड सब्ट्रैक्ट होगा। वन वाला जो है आर वन उसके बाहर है, तो वन वाले के लिए बाहर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि क्या है, देखो जरा बाहर वाले का फॉर्मूला आउट में क्या है, के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर, सॉरी के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई, तो के अंदर वाला चार्ज और इसका डिस्टेंस कहां सेंटर से, ए, सही लिखा क्या? पोटेंशियल क्यू पे आर वन की वजह से आउटसाइड वाला फॉर्मूला लेगा और वी टू जो है इनसाइड वाला और इन वाले और सरफेस वाले का फॉर्मूला क्या आया है, सेम आया। तो V2 क्या हो जाएगा, K Q2 अपॉन सरफेस का फॉर्मूला, बताइए सही है? Yes, ओके ठीक। अब जरा R पे आओ, R का डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, R पॉइंट जो है यहां पे मान लेते हैं, लेट मी टेक, और लेट मी टेक द डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर एस B मान लेता हूं, यानी स्मॉल वाला है R1, ठीक है, और इसका डिस्टेंस मान लेता हूँ सीधा छोटे वाले का बी का। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे पैदा होगा, दोनों से, एक से, दोनों के ठीक है, लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो कैन आई से के क्यू वन अपॉन, नीचे क्या लिखूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या लिखूं, क्या लिखूं नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड वन की वजह से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर, क्या लिखें? जब बाहर चला जाता है तो इट इज लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, तो डिस्टेंस कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे, बी स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस के क्यू टू लेंगे, तो क्यू टू के भी बाहर है तो क्यू टू को भी सेंटर पे रख दूंगा, पटक दूंगा, इट इज गोइंग टू बी, और सेंटर से डिस्टेंस कितना है,
बताओ बी, ये आ गया समझ में, दोनों ऐड कर देंगे। पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल ड्यू टू वन प्लस पोटेंशियल ड्यू टू टू, दोनों के बाहर है तो क्या दोनों के लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगा दूं? यस सर। ठीक है अब आ चलो आ जाओ, वी वन क्या होगा, बाहर वाले का फॉर्मूला के क्यू वन अपॉन अपॉन बोलो नीचे आर ए बी सी डी आर वन आर टू क्या लिखे, बी, व्हाट बी, पक्का? यस, व्हेन इट इज आउटसाइड तो डिस्टेंस कहां से लेंगे, सेंटर से, इनसाइड है तो सरफेस वाला फॉर्मूला, और वी टू के लिए क्या करेंगे, के क्यू टू अपॉन 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 बी, बी, बिल्कुल सही, नोट करिए इस बात को, बिल्कुल सही बताया आपने। समझ में आ गया, नोट कर लिया, तो बस ये देखना होगा कि किसके अंदर है किसके बाहर, अगर मैं इसी के बजाय दो के बजाय तीन स्पेयर दे दूं तो कर लेंगे, तो बस आप ये देखेंगे किसके अंदर है किसके बाहर है किसके सरफेस पे, अगर अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ओके शैल आई मूव ऑन, आगे चले, चलो मैं सीधे क्वेश्चंस कराता हूँ। ओके ओके, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, हमें कराना है जेई मेंस का प्रॉब्लम, ये जरा क्वेश्चन देखना इसका आंसर बताना। एक ग्राफ दे रखा है, कह रहे किसका, एक ग्राफ शोस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये क्या चीज है और ये क्या चीज है? सर सॉरी माय रिचार्ज चल रहा है, आई हैव टू लीव द क्लास। ओके नो इशू, आप लेक्चर देख लीजिएगा, ओके प्लीज टेक द सी द लेक्चर। ओके एरिया, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि sir, ये two. क्या टू होगा, पक्का? यस सर, यस, क्योंकि yes, देखिए अगर अगर हम एक एक करके चेक करते, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ग्राफ होता है तो या तो अंदर जीरो होता है या तो इंक्रीजिंग होता है, याद आ रहा है, अगर शेल था तो जीरो और अगर वो नॉन कंडक्टिंग का तो ऐसे आता था, तो ये तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर या तो जीरो होता है या तो क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, याद आ रहा है कि नहीं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टिंग है शेल है तो जीरो, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो इंक्रीज होता था, तो पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो गलत हो गया। अब बताओ किसका होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का होगा या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर शेल का, देखे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बोले इसका मतलब ये बोल रहा है कि चार्ज में पूरी तरफ यूनिफॉर्म चार्ज फैला हुआ है तो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या अंदर, जल्दी बताओ, अगर नॉन कंडक्टिंग शेल है तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? नॉन कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग सॉरी शेल बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर एक सी वाले ऑप्शन को देखूं मैं, पहले उल्टा चलूंगा सही ऑप्शन पर नहीं आऊंगा, अगर ये स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज है तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नो सर। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं तो क्या पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा? नो सर। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो पोटेंशियल क्या होगा? वेरिएबल। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा क्या? नो सर। तो यानी सी वाला ऑप्शन गलत है, खत्म। अब हम अभी जो मैंने चाहता था मैं सीधा इसी पे आता, लेकिन आई बिलीव जानबूझ के नहीं आया, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल में अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल क्या होता है कॉन्स्टेंट, और बाहर घटता है, तो इट इज द इलेक्ट्रिक ग्राफ ऑफ अ चार्ज शेल। ठीक है चले आगे बढ़ते हैं, ये हो गया लाइक दिस। ठीक है ठीक है, हाउ मच, ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कह रहा है हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू, इफ ग्राउंडेड का मतलब होता है पोटेंशियल जीरो करना, ग्राउंडेड का मतलब होता है क्या, पोटेंशियल को जब भी अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोलेगा तो मतलब पोटेंशियल क्या कर दो, जीरो। कह रहा है इस सिस्टम में अगर हम अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड करेंगे यानी अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो कितना चार्ज उसका अर्थ में पहुंचेगा, अभी अंदर वाले पे क्यू माइनस क्यू, बाहर वाले पे थ्री क्यू,
तो इसका मतलब आप जो है अंदर वाले शेल का पोटेंशियल निकाल के उसको जीरो के बराबर रख देंगे। पक्का करके दिखाई, टेल मी द आंसर। तो आई हैव टू फाइंड द पोटेंशियल, आई हैव टू फाइंड द पोटेंशियल हेयर। अच्छा ये बताइए क्या पूरे सर चार सर पूरे सरफेस में पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं पूरे स्फीयर के? बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ ठीक है इट इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म बॉडी है तो व्हाट इज द पोटेंशियल इनर सरफेस इस वाले यहाँ पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा। पोटेंशियल ये होगा इनर स्फीयर वाले को इसको मान लेता हूँ स्फीयर वन और बाहर वाले को मान लेता हूँ स्फीयर टू। तो इस पे पोटेंशियल वन वाला भी पैदा करेगा और टू वाला भी पैदा करेगा। ठीक है चलो वन वाले का सरफेस है तो सरफेस के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर। तो क्या इसको माइनस के क्यू बाई आर लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है और प्लस बाहर वाले के जो एस टू है उसके अंदर है, अंदर जो है अगर हम अंदर जाते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? इन साइड का जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है क्या? Yes, sir. अगर मैं स्फीयर के अंदर जाऊं किसी भी पॉइंट पे, स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जाऊं तो मुझे वही पोटेंशियल मिलेगा जो उसके सरफेस पे था। इसका मतलब स्फीयर टू से जब मैं अंदर किसी भी पॉइंट पे जाऊंगा किसी भी पॉइंट पे तो क्या मुझे सेम पोटेंशियल मिलेगा जो उसके सरफेस पे था? तो इस पॉइंट पे जो स्फीयर टू वाला पोटेंशियल देगा वो मुझे अपने सरफेस के बराबर देगा और सरफेस का पोटेंशियल ये होगा। जी बताइए। Yes, sir. यही होगा। ये क्या ये पोटेंशियल क्या ये जीरो आ रहा है क्या? देखो जीरो आ रहा है। Yes, sir. कहां जीरो आ रहा है? देखिए अभी कहां जीरो है? ये तो अभी मैंने ग्राउंडिंग नहीं की, ये बिफोर ग्राउंडिंग है। ग्राउंड करने से पहले का चेक किया मैंने। अभी आपने बिफोर अर्थ जब अर्थ से कनेक्ट नहीं किया तो ये पोटेंशियल आ गया। कितना आ रहा है देखना, 3/2 के क्यू बाय के क्यू बाय 2 आर आ रहा है क्या? सर आंसर इज क्यू पॉइंट टू क्यू बाय टू प्लस में माइनस में? प्लस में। प्लस में अच्छा ठीक है। तो अब देखिए ये तो मैंने अभी निकाल लिया। हम ये मान लेते हैं कि अर्थिंग करने के बाद उस पे चार्ज जो बचा है एक्स, क्योंकि जैसे ही आप अर्थिंग करेंगे कुछ चार्जेस देखिए अभी इसका पोटेंशियल जीरो है क्या? अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल जीरो नहीं है। हम जैसे इसको अर्थ करेंगे ग्राउंड करेंगे टच करेंगे कुछ चार्जेस इस पे से आना जाना शुरू करेंगे और इस तरह आएंगे जाएंगे कि उसका पोटेंशियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि सब कुछ आने जाने के बाद अंदर वाले के सरफेस का चार्ज कितना बचा? एक्स मान लें और बाहर वाले पे 3q। आई होप आप समझ रहे होंगे मैंने किया क्या। पहले मैंने अर्थिंग के पहले चेक किया, मुझे पता चला कि इसका पोटेंशियल जीरो नहीं है। जैसे ही मैं इसको अर्थ से कनेक्ट करूंगा इसका पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है? कुछ चार्जेस आएंगे जाएंगे और इसके पोटेंशियल को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। ठीक है। तो अगर हम ये मान लें यहां पे चार्ज एक्स है तो व्हाट इज द पोटेंशियल? अभी कितना पोटेंशियल होगा इसका? व्हाट इज द पोटेंशियल? एक्स चार्ज मान लेते हैं। लेट मी टेक चार्ज एक्स बचा तो के एक्स बाय आर प्लस 3 के क्यू बाय 2 आर और इसको क्या कर दू? जीरो कर दू क्योंकि हम ग्राउंडिंग हमने ये माना कि ग्राउंडिंग करने के बाद उसका पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। तो हमने मान लिया उस पर चार्ज कितना बचा? एक्स। तो एक्स चार्ज मान के पोटेंशियल निकाला उसको जीरो कर दिया। ये V1 से और ये आउटर वाले से। जरा सॉल्व करना एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। हाउ मच यू आर गेटिंग एक्स? माइनस 3/2 क्यों आ रहा है? यस सर। इसका मतलब ग्राउंडिंग से पहले कितना चार्ज था अंदर वाले स्फीयर पे? माइनस क्यू। और ग्राउंडिंग के बाद कितना, यानी बिफोर ग्राउंडिंग कितना चार्ज था उसके ऊपर? माइनस क्यू। और ग्राउंडिंग करने के बाद जब पोटेंशियल जीरो हुआ तो उसने उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? माइनस 3/2 क्यू। अब ये बताओ उसने क्या किया, कितना चार्ज भेजे? हाउ मच चार्ज इट हैज ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड? कितना चार्ज?
माइनस क्यू, उसने क्या कितना चार्ज भेजा ग्राउंड पे, हाउ मच चार्ज, अर्थिंग से पहले माइनस क्यू, अर्थिंग के बाद माइनस थ्री बाई टू क्यू, हाउ मच चार्ज इट हैज ट्रांसफर टू द ग्राउंड, बताइए, क्यू बाई टू या माइनस क्यू बाई टू, सर क्यू बाई टू, क्यू बाई टू एग्जैक्टली, जब वो क्यू बाई टू चार्ज भेजेगा अर्थ को तो माइनस, यानी देखिए उसको अर्थ से लेना कितना है माइनस क्यू बाई टू, अगर वो पूछेगा कि हाउ मच चार्ज अर्थ हैज गिवन, अर्थ ने देखिए माइनस क्यू से माइनस थ्री बाई टू क्यू कर दिया, यानी माइनस क्यू बाई टू उसने लिया है, माइनस क्यू बाई टू उसने लिया है, तो हाउ मच चार्ज फ्लो फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से कितना चार्ज आया है, अगर पूछता फ्रॉम अर्थ माइनस क्यू बाई टू, अर्थ से कितना चार्ज आया भाई, उसका पहले चार्ज माइनस क्यू था, अब कितना हो गया माइनस थ्री बाई टू क्यू, इसका मतलब अर्थ से उसने कितना चार्ज लिया, माइनस क्यू बाई टू चार्ज उसने अर्थ से लिया है, तो अर्थ को दिया कितना है, उल्टा मान सकते, अगर मैं पूछ रहा हूँ इनटू अर्थ, तो देखो भाई सब कुछ निकालने के बाद ये गलती हो जाती है, अगर फ्रॉम अर्थ है तो कितना है माइनस क्यू बाई टू, क्योंकि पहले माइनस क्यू था बाद में माइनस थ्री बाई टू क्यू हो गया, इट मीन्स माइनस क्यू बाई टू चार्ज उसने अर्थ को भेजा है, अर्थ से लिया कितना है, हाउ मच सॉरी अर्थ से लिया माइनस क्यू बाई टू, तो अर्थ पे हाउ मच चार्ज फ्लो टू द अर्थ, प्लस क्यू बाई टू, प्लस क्यू बाई टू, यस, सो दैट आपको दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, माइनस क्यू बाई टू भी दिया रहेगा, प्लस क्यू बाई टू भी दिया रहेगा, बहुत सावधानी से देखिएगा कौन सा ऑप्शन मार्क करना है, यस सर, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे, हो गया, यस सर, नॉट जीरो तो पोटेंशियल निकाला, उसको जीरो किया, टोटल चार्ज निकाला, अब आपको एग्जाम का क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है, ये रहा हमारे पास ये क्वेश्चन करिए 2020 का क्वेश्चन, या उससे पहले रुके रहो, उससे पहले एक मिनट, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, कह रहा है इस पे चार्ज मैंने, टोटल चार्ज क्यू है, अभी बताया था मैंने सेंटर पे, यानी वो इनसाइड है, इनसाइड पे पोटेंशियल वन से निकालो, पोटेंशियल टू से निकालो, और यहाँ पे देखो चार्ज डेंसिटी के बारे में जिक्र कर रहा है ना, तो अब जो आप फॉर्मूला लगाओ सिग्मा वाला लगाओ, क्यू वाला मत लगाओ, ये हिंट दे रहा हूं मैं, सिग्मा के टर्म में लगाएंगे आसान रहेगा, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट सरफेस पे, और आउटसाइड में सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, हेलो सर, एक्सक्यूज मी, यस यस जी बताइए, फोर्थ 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 और कोई, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो सिग्मा के टर्म में बिल्कुल सही आ रहा, फोर्थ ऑप्शन, कौशिक मानसी शांधु एवरीवन गिविंग द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, तो हमने बिल्कुल सही निकाला, सिग्मा के टर्म में निकाले, दोनों का सिग्मा सेम है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द टू स्फीयर आर सेम, तो अगर मैं निकालू V1 प्लस V2 सेंटर पे वन वाले से और टू वाले से, इसके स्फीयर वन मान लो, इसके स्फीयर टू मान लो, तो जो अंदर होगा वो सरफेस के बराबर होगा, तो वन वाले के सरफेस पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट, और स्फीयर टू के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा क्या बताना भाई, सेंटर पे दोनों के अंदर आ रहा है, तो अंदर होता है सरफेस वाला फॉर्मूला, सरफेस वाला फॉर्मूला पीछे लिखवाया था, सिग्मा कैपिटल आर बाय एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर मतलब उसका रेडियस, हमने कैलकुलेट किया सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर प्लस आर, अब सिग्मा पूछ रहा है, सिग्मा की वैल्यू रख दो, कह रहा है चार्ज क्यू जो है
वो दोनों पे दिया गया है। तो क्यू सिग्मा की वैल्यू रख दें क्यू के टर्म में, तो कैसे निकाला निकाल सकते हैं, जो क्यू चार्ज है सिग्मा क्या है भाई, चार्ज डेंसिटी जो है क्यू को हमने दोनों स्फीयर पे डिवाइड कर दिया ना, द चार्ज क्यू, टोटल चार्ज क्यू है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू स्फीयर्स, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो क्यू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया कितना होगा, अंदर वाला स्फीयर प्लस बाहर वाला स्फीयर, दोनों पे डिवाइड किया ना भाई हमने, कैपिटल क्यू को दोनों पे डाला है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यू अपॉन फोर पाई स्क्वायर, क्यू अपॉन फोर पाई स्क्वायर, बिकॉज दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द स्फीयर्स। अब इक्वली होगा, इक्वली तो नहीं होगा, खैर जाहिर सी बात है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा q अपॉन, ये बन जाएगा मेरे पास q अपॉन 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, रखें हम जरा सिग्मा की जरा वैल्यू, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर r प्लस r और नीचे क्या आ रहा है r स्क्वायर प्लस कैपिटल r स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है सेंटर पे, डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, कहा तो और प्रॉब्लम समझ गए, तो अंदर पहले पोटेंशियल निकाला V1 से V2 से, अंदर का मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही अंदर जाएगा, सरफेस वाला फॉर्मूला लगाया और फिर Q की वैल्यू निकाली सिग्मा के टर्म में। ठीक है, चले आगे। यस सर, ये फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन करो, सेम पैटर्न पे बेस्ड है। कॉन्सेंट्रिक मेटल स्फीयर आर आर गिवन द डेंसिटी ऑफ द इक्वल, कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम है, एक का रेडियस आर, एक का रेडियस फोर आर है, दोनों का सिग्मा बराबर दे रखा है, अब दोनों पे क्यू वन क्यू टू अलग दे रखा है, एक दो प्रॉब्लम और देखेंगे। 8:30 इसमें कह रहा है कि दोनों की चार डेंसिटी बराबर है, यानी सिग्मा बराबर है, तो सिग्मा के मैं हिंट दे रहा हूं फिर से आपको, सिग्मा के टर्म में कर लोगे जीवन आसान हो जाएगी। वन वन गुड, अक्षिता अंशित फर्स्ट वन, वाओ ग्रेट सर, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट ठीक है, तो पहले हम जो है अंदर वाले का पोटेंशियल निकाले, बाहर वाले का पोटेंशियल, अंदर वाले के सरफेस पे पोटेंशियल क्या निकाले, वी आर दोनों की डिस होगा, अंदर वाले स्फीयर बाहर वाले स्फीयर से, ग्रेट यार ग्रेट, तो व्हाट इज द पोटेंशियल देयर, सिग्मा दोनों का बराबर है, मैं लेट मी सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा फोर बाय आर बाय एप्सिलॉन नॉट, because given the concentric are equal, charge density same है, बाहर वाले का, जी साक्षी आप कुछ, you are raising hand, साक्षी ठाकुर, one one ठीक है, one is the correct answer, अब sphere two पे निकालूंगा, sphere two को देखेंगे हम, तो जो बाहर वाला sphere है, that is out of the one, surface one के बाहर है और surface two के ऊपर है, तो बाहर वाले पे बाहर वाला formula, तो क्या लगाते हैं उसमें, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू इनटू क्या रखते हैं बताओ ना, प्लीज हेल्प मी, आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, आउटसाइड में होता है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, तो अगर हम निकालें फर्स्ट व्हाट विल, ये प्लस होगा ना, सॉरी प्लस होगा, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा कितना आंसर आएगा बोलना, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस कितना है 4r प्लस सिग्मा इनटू बाहर वाला उसका सरफेस है, तो सरफेस पे सरफेस का फॉर्मूला, दोनों को माइनस करो जरा, कितने लोग को ये समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा होगा, ये मैंने निकाला आउट अंदर वाले, ये आउटसाइड का फॉर्मूला है, ये सरफेस का फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, दोनों सरफेस का फॉर्मूला है, बिकॉज
ये भी सरफेस का फॉर्मूला, ये भी सरफेस, क्योंकि अंदर वाला है वो अपना खुद तो सरफेस है प्लस बाहर वाले के अंदर है तो अंदर सरफेस का फॉर्मूला लगता है। माइनस करिए जरा दोनों को, कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या? दूसरा और आइटम, दूसरा और आइटम क्या हो रहा है? कैंसिल। आई एम गेटिंग बेसिकली वी आर माइनस वी फोर आर, आर से आर कैंसिल, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आर अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन ले ले भाई? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ रहा है? थ्री बाय फोर, हाउ मच? थ्री बाय फोर आ रहा है, थ्री बाय फोर। तो आई एम गेटिंग थ्री बाय फोर आर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, और सिग्मा को क्या लिख सकता हूं भाई? अब आप Q1 के टर्म, अगर आप देखिए आंसर Q1 के टर्म में लिखेंगे तो Q1 के टर्म में सिग्मा की वैल्यू होगी चार्ज अपॉन एरिया, और Q2 के टर्म में लिखेंगे तो ये होगा सिग्मा अपॉन फोर पाई, आर की जगह फोर आर रखेंगे तो फोर आर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन आर स्क्वायर। तो रख के देखिए सिग्मा, पहले Q1 रख के देखिए और Q2 रख के देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें। वन वाला हो रहा है मैच, सभी लोग का वन आ रहा है तो बेसिकली वन वाला मैच। कौन सा? Q2 के टर्म में रखेंगे तो नहीं आएगा थ्री बाय फोर, Q1 के टर्म में रखिए, Q1 सिग्मा की जगह ये रखिए तो अपने आप दिख रहा है ना आपको, नीचे फोर फोर जा सिक्सटीन, थ्री बाय सिक्सटीन बन जाएगा Q1 के टर्म में, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, यू विल गेट द फर्स्ट ऑप्शन। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और फिर वहां से हमने बात की। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक अलग तरह का प्रॉब्लम है, ये लास्ट प्रॉब्लम है आज का। अब देखिए कह रहा है फ्री स्पेस में दो सेम चार्जेस हैं, जब सेम चार्जेस को छोड़ेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? गेन। वाओ ग्रेट, थर्ड थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, मजा आ गई, मजा आ गई। और आंसर क्या आ गया? सर टू तो नहीं है, दो। आई एम गेटिंग टेन आंसर थर्ड, बिल्कुल सही। तो इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है। और कौन से चार और आंसर आ गए? ठीक है, तो कह रहा है कि वन माइक्रो कूलम्ब का चार्ज यहां रखा है, एक वन माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है, दोनों पहले डिस्टेंस कितना है 1 mm और दूसरा डिस्टेंस कितना 9 mm। फर्स्ट इट इज 1 mm एंड देन इट इज 9 mm, पहले 1 mm है फिर 9 mm है। तो भाई जब देखो दोनों सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? लॉस। तो हम सिंपल एक फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के, द लॉस इन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स से कोई लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। डेल्टा यू को लिख सकते हो के क्यू वन क्यू टू वन बाई आर टू माइनस वन बाय आर वन। अच्छा, यहाँ लॉस और गेन क्या है? तो एक को प्लस एक को माइनस के साथ लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट पे तो वी वन क्या हो जाएगा? जीरो, खत्म। वैल्यू रख देते के 9 × 10⁻¹। क्यू वन क्यू टू दोनों वन वन माइक्रो कूलम के, देखिए वन वन माइक्रो कूलम के, तो वन माइक्रो कूलम और सेम जब वन माइक्रो कूलम तो माइक्रो मतलब 10⁶, तो 10⁶ इंटू 10⁶ 10⁻¹². ब्रैकेट में 1 बाई आर टू, 1 बाई 9, 9 mm, mm की जगह रखूंगा 10⁻³।
माइनस वन एमएम, एमएम की जगह रखा मैंने 10^-3। देखिए मुझे बताने में असल में टाइम लगता है, बट जो सॉल्व करेगा वो यू कैन सॉल्व मच फास्टर। 1/10^-3 ये आ गया, जिसको मैंने लिखा हाफ मास की जगह 4 माइक्रोग्राम, माइक्रो की जगह लिख सकता हूँ 10^-6 इंटू स्पीड के स्क्वायर। ठीक, 10^-3 ऊपर आएगा कॉमन ले लूंगा, 10^-3 नीचे ऊपर आएगा प्लस बन जाएगा कॉमन, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 9 × 10^9 × 10^12 × 10^3 ब्रैकेट में मेरे पास है 1/9 - 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए, 2 × 10^-6 स्पीड के स्क्वायर। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, 1/9 इट विल गिव मी हाउ मच, अच्छा यहाँ एक माइनस का साइन लगा है, तो -8/9, तो 9 × 10^9 = 12 पावर कैंसिल कर देते हैं, यहाँ -12 9 × 12 माइनस माइनस प्लस खत्म, आई एम गेटिंग 9 × -8/9 −2 × 10^-6 स्पीड का स्क्वायर। 9 से 9 गया, 2 से 4 गया, तो आई एम गेटिंग 10^-6 नीचे आ जाएगा, सिंपल मुझे मिल रहा है 4/10^-6 स्पीड का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा 4 × 10^3 स्पीड का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे कितना मिल जाएगा थर्ड ऑप्शन, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -Δk लगाना। ठीक है, ओके, टाइम भी हो गया है, टाइम भी हो गया है, तो बहुत मजा आया मुझे भी, आप लोग जिस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं इट्स ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह क्वेश्चंस कई बार और पूछे गए कि इस डिस्टेंस पे रखा था, इस डिस्टेंस के बाद इस डिस्टेंस पे रख गया तो क्या होगा। ओके ठीक है, तो हम अब अगली क्लास में मिलते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे पोटेंशियल के ऊपर और, क्योंकि अभी सॉलिड स्फीयर बचा हुआ, और फिर कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, ओके, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय।